कश्मीर मुद्दे को लेकर हर मोर्चे पर मात खा रहा पाकिस्तान अब खुद का नुकसान कर भारत को डराने की कोशिशों पर भी उतर आया है। पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस में 3 इंटरनेशनल रूट को बंद कर दिया है। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा दुखी और परेशान है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बाज नहीं आ रहा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस पर बैन लगाया, व्यापारिक समझौतों पर रोक लगाई, दुनिया भर में कश्मीर के खिलाफ झूठ फैलाया और एक बार फिर एयर स्पेस बंद करने की धमकी दी है। व्यापार के लिए भारत को रास्ता देने से इनकार किया है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान में व्यापार करने के लिए भारत पाकिस्तान के जिस सड़क मार्ग का इस्तेमाल करता है उसे भी पूरी तरह बंद किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में इन सभी फैसलों के कानूनी पहलुओं पर भी मशवरा किया गया। मोदी ने इसकी शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। अपने एयर स्पेस को बंद करने के पीछे पाकिस्तान की असल छटपटाहट और वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार को जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्र संबोधन के बाद देश भर में परमाणु युद्ध को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही थी, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन धमकियों को दरकिनार कर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से ही भारत लौट आए। पीएम मोदी सोमवार रात को ही 3 देशों का दौरा कर भारत लौटे और मोदी का लश्कर पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर भारत की सरजमी पर उतरा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना कोई नई बात नहीं है। पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, उसके बाद भी बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद होने से काफी नुकसान भी हुआ था। एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा दुनिया भर के नागरिकों को हुई परेशानी की वजह से भी पाकिस्तान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इन्हीं तमाम वजहों से पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए दोबारा खोलना भी पड़ा था। टीम न्यूज़ नेशन।